दोस्तों, क्या होती है ये पॉजिटिव एनर्जी और क्या होती है नेगेटिव एनर्जी? आजकल बहुत सुनने को मिलता है ये पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। ये जो हॉलीवुड की फिल्म वाले हैं, इन्होंने नेगेटिव एनर्जी को शैतान से और पॉजिटिव एनर्जी को भगवान से जोड़ दिया है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब वही है ना, अंधविश्वास की बातें हो गई हैं। हमें समझना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि एनर्जी का मतलब क्या होता है। हम सब में एनर्जी है, और हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम लोग को एनर्जी मिलती है खाने से। और खाना हम लोग क्या खाते हैं? साग सब्जी, फल फूल, या फिर जो मांसाहारी हैं वो खाते हैं जानवरों का मांस, मुर्गा वगैरह। तो अगर ये जानवर और ये जो मुर्गे होते हैं, ये सब क्या खाते हैं? ये सब भी कीड़े या फिर साग सब्जी, पेड़ पौधे ही खाते हैं। तो और पेड़ पौधों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये पेड़ पौधे एनर्जी पाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि मिट्टी से, और मिट्टी से, पानी से, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है धूप की, यानी कि धूप से वो लोग एनर्जी लेते हैं। यानी जो सारी एनर्जी है पेड़ पौधों में, जानवरों में, हम में, वो सब किसी न किसी रूप में देखा जाए तो धूप से ही, यानी कि सूर्य से ही आ रही है। यानी सूरज की ही एनर्जी हम लोग के अंदर फ्लो हो रही है। और हम लोग को जीवन जीने के लिए, एनर्जीफुल रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए होता है? साफ़ सुथरी हवा, यानी कि ताज़ी हवा, जहाँ पर हवा का फ्लो हो बढ़िया, और धूप आनी चाहिए, डे लाइट आनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो यही चीज़ें जहाँ पर होती हैं, भरपूर मात्रा में होती हैं, इनका फ्लो अच्छा होता है, तो कहा जाता है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, यानी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब एनर्जी है। और जहाँ पर इनका फ्लो अवरुद्ध होता है, नहीं होता है किसी स्थान पर, या धूप नहीं आती है, अंधेरा है, और लाइट बिल्कुल नहीं है, तो कहा जाता है यहाँ पर एनर्जी नहीं है, यानी निगेटिव एनर्जी है, नहीं है, एनर्जी का निगेटिव है। तो इस तरह से वहाँ पर निगेटिव एनर्जी हो जाती है। तो जहाँ पर भी निगेटिव एनर्जी होगी, यानी एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर हमारा चित्त थोड़ा दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वहाँ पर हम अच्छा फील नहीं करेंगे, हम बीमार रहने लगेंगे। अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहते तो हम बीमार रहने लगेंगे, हमारा मन प्रसन्न नहीं रहेगा। तो उसे ये सब दुष्प्रभाव होते हैं निगेटिव एनर्जी के। और जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होगी, देखिए, जहाँ पर फ्लो बहुत अच्छा रहता है, धूप अच्छे से आ रही है, हवा अच्छे से आ रही है, ताज़ी हवा मिल रही है, पूरब और पूरब से सूरज निकलता है, वहाँ धूप सुबह सुबह मिलती है, फिर शाम को डूबता है, यानी कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सूरज की बहुत ज़रूरत होती है, उसे साफ साफ पता चलता है कि हाँ, अब सुबह हुई, अब दोपहर हुई, अच्छा अब शाम हो गई है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है सूरज की धूप। और जहाँ पर सूरज की धूप नहीं मिलती है तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो गड़बड़ हो जाती है, और ये सब इम्पैक्ट डालता है फिर हमारी हमारे स्वास्थ्य पर। तो उसको हम एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में ले सकते हैं, अगर हम लगातार आर्टिफिशियल लाइट में रहें तो ये सब हमें दुष्प्रभाव हैं। और खुले वातावरण में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, पूरी पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसलिए देखिए, जो कहानियाँ बनाई जाती हैं, रातों में ही, अंधेरे में ही भूत ऊत को दिखाया जाता है, जहाँ पर सीलन है, नमी है, यानी जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक होते हैं, नमी, सीलन, आर्द्रता, अंधेरा, ये सब जो हैं ये नेगेटिव एनर्जी के प्रतीक माने जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जी इसे ही कहते हैं। और दोस्तों, वास्तव में भी इसी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को ही देखा जाता है कि कहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, किस दिशा में, कौन सा कोण पॉजिटिव, कौन से कोण पर हम क्या करेंगे तो अच्छे से हवा आएगी, अच्छे से लाइट आएगी, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, प्राकृतिक जो एनर्जी का फ्लो है उसमें अवरोध नहीं होगा, या अवरोध तो होगा, कम से कम होगा। तो इसी आधार पर वास्तुशास्त्र बना हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि वास्तुशास्त्र में इतना भी बड़ा कोई अंधविश्वास है, इसीलिए मैं इसको, इसके बारे में बताता हूँ, प्रमोट करता हूँ। बाकी तो मेरे चैनल का और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जानकारी देना, और लोगों के मन से, लोगों के जहन से इस अंधविश्वास को मिटाना, अंधविश्वास को दूर करना, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी हमारा ये अंधविश्वास और नॉलेज की कमी ही है। धन्यवाद।